Hello children, our today's subject is Hindi. आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे. ये क्या है आपको पता है? क्या है ये? है अ. क्या है ये? अ. अ से अनार. अ से अनार. अ से अनार. आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करेंगे. अ से अनार. अब मैं बताती हूँ आपको इसे कैसे लिखेंगे. हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना कर्व्ड लाइन, अब हम लोग उसका यूज करेंगे. पहले वन कर्व्ड लाइन, अगेन वन कर्व्ड लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, अगेन वन स्लीपिंग लाइन. ये बन गया अ. फिर से लिखेंगे one curved line, one curved line, one slipping line, one standing line, again one slipping line. और इस तरह क्या बन गया? अ. curved line, slipping line, standing line, again slipping line. क्या बन गया? अ. अ से अनार. अ से अनार. नेक्स्ट अ के बाद क्या आता है? आ. क्या आता है अ के बाद? क्या है? आ. आ से आम. आ से आम. अब हम लोग देखेंगे आ कैसे लिखते हैं. जैसे आपने अ लिखा है सेम आपको दिख रहा है ना, ये सेम है, बस यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन हमें ज्यादा डालना है. सो लेट्स राइट कर्व्ड लाइन, अगेन वन कर्व्ड लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन वन स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन. और ये बन गया आ. ये क्या है? आ. curved line, again curved line, slipping line, here are two standing lines, again slipping line. क्या बन गया? आ. आ से आम. Now all of you repeat with me. आ से अनार. आ से अनार. आ आ से आम. आ आ से आम. अब आप देखिए ये है आपकी राइटिंग बुक, हिंदी राइटिंग बुक. ये आपकी हिंदी राइटिंग बुक है और इसमें आपको अपना होमवर्क करना है. अ से अनार. अ से अनार. ये है पेज नंबर टू एंड नेक्स्ट पेज नंबर थ्री. आ से आम. आ से आम. और ये आपको होमवर्क करना है. सी होमवर्क पेज नंबर टू, पेज नंबर थ्री. ओके, थैंक यू.